अज दियां मुख खबरां नजर मारदे हां कुछ सुर्खियां ते। सतगुरु रविदास जी का जन्म दिहाड़ा हल्के विच बड़ी धूमधाम नाल मनाया गया। श्री फतेहगढ़ साहिब विखे भगत रविदास जी के जन्म दिहाड़े मौके श्री अखंड पाठ साहिब के भोग पाए गए। गुरदासपुर च विश्व रबाबी भाई मरदाना जी का 365वां जन्म दिहाड़ा मनाया गया। बटाला के सरकारी स्कूल सुरक्षित नहीं, चोर लगातार बना रहे ने सरकारी स्कूलों नूं निशाना। लुधियाना गारमेंट्स एसोसीएशन दे वल्लों 3 रोजा प्रदर्शनी की शुरुआत की गई। हुण खबरां विस्थार नाल। खबर लैने श्री फतेहगढ़ साहिब तो जिथे श्री गुरु रविदास जी का जन्म दिहाड़ा बड़ी धूमधाम नाल मनाया गया। इस मौके विधायक लखवीर सिंह राय ने पिंडां विचों वख-वख समागमां विच हाजरी लगाई है। इस मौके लखवीर सिंह राय ने हलका वासियां नूं रविदास जी दे जन्म दिन दियां लख लख वधाईयां दित्तियां। होर उन्हां ने की कहा, आओ मारदे आ पूरी खबर ते नजर। अज साडे लई बहुत बड़ा दिन है, गुरु रविदास जी का गुरपुरब है और असी देखिया कि हलका श्री फतेहगढ़ साहब दे विच कोई ऐसा पिंड कोई ऐसा महला नहीं जिथे संगत ने गुरु साहब का गुरपुरब ना मनाया होवे। लोग संगत दे विच बहुत उत्साह है और मैं सवेर तो चलिया 40-50 पिंड हो गए, 20-30 पिंड हो रहे हैं, सारे जाऊँगा जिथे जिथे संगत ने बुलाया। और सानू गुरु साहब ने जो सिक्ख्या दे के गए कि कोई भी इंसान है जिहड़ा वो जात पात नाल वड्डा नहीं हुंदा, कर्मा नाल वड्डा हुंदा। सो अज उन्हां दी सिक्ख्या ते चलण दी साडे समाज नूं लोड़ है, साडी सरकार नूं लोड़ है। सरकार दा जिहड़ा टीचा है ओह इही है कि सब नूं नाल लैके चलना है ते सब दा विकास करना है। ते अज असीं गुरु साहब नूं याद करदे हां, गुरु रविदास जी नूं, ते उन्हां दी जिहड़ी सिक्ख्या है ओह ते चल के असीं पंजाब नूं रंगला पंजाब बनाउणा। भगत श्री रविदास जी दे पवित्र जन्म दिहाड़े दीआं मैं सूं देशवासियां नूं अपने वल्लों लख लख मुबारकबाद दिंदा हां कि रविदास जी ने जात पात दा खंडन किया। सानू सारियां नूं उन्हां दे दस्से मार्ग ते चलना चाहिए, एक वधिया समाज की सरजना करनी चाहिए। खबर लैने श्री फतेहगढ़ साहिब तो जिथे श्री गुरु रविदास जी दे जन्म दिहाड़े ते फतेहगढ़ साहिब विखे श्री अखंड पाठ साहिब दे भोग पाए गए। इस मौके पत्रकारां नाल गल्लबात करदिआं गुरद्वारा फतेहगढ़ साहिब दे मैनेजर भगवंत सिंह ने सारियां नूं इस दिवस की वधाई दित्ती। होर उन्हां ने की कहा, आओ सुनदे आं पूरी खबर। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज गुरद्वारा फतेहगढ़ साहब के प्रबंध वल्लों समुचियां संगतां नूं भगत रविदास जी के जन्म दिहाड़े दीआं लख लख वधाईआं होण जी। गुरद्वारा साहब के प्रबंध वल्लों इलाके दीआं संगतां दे सहयोग दे नाल परसों रोज तो गुरद्वारा साहब विखे श्री अखंड पाठ साहब आरंभ कराए गए सन, जिन्हां दे सी कि हुणे श्री अखंड पाठ साहब दे भोग पा के गुरद्वारा साहब विखे आया। भगत रविदास जी के जन्म दिहाड़े में समर्पित जिथे श्री अखंड पाठ साहब के भोग पाए ने उत्थे उन्होंने संबंध के गुरद्वारा साहब के प्रबंध वालों गुरबाणी का कीर्तन करके संगतां नूं निहाल किया। इस तरह लंगरां दे विच उन्हां दे जन्म दिहाड़े नूं समर्पित मिठे दे खास करके प्रबंध किए गए हैं। सो आईया समुचियां संगतां नूं जिथे भगत रविदास जी दे जन्म दिहाड़े दीआं लख लख वधाईआं, उत्थे संगतां नूं अपील करदे हां कि सानूं वध तों वध गुरु वाले बन के अमृत छक के अमृत का धारनी होना चाहिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। खबर लैने गुरदासपुर तो जिथे विश्व रबाबी भाई मरदाना जी का 565वां जन्म दिहाड़ा भाई मरदाना वेलफेयर सोसायटी संगतां वल्लों श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री दरबार साहिब अमृतसर के सहयोग नाल बड़ी श्रद्धा ते उत्साह नाल मनाया गया। इस मौके होर की गलबात हुई है, आओ मारदे आ पूरी खबर ते नजर। वाहिगुरू जी की फतेह। दास भाई जसविंदर सिंह शहूर मुख प्रचारक श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर साहिब अज ठक्कर संधु पिंड जिला गुरदासपुर विखे आउण दा सुभाग प्राप्त होया। दास दे नाल जथेदार सुरजीत सिंह जी तुगलवाल, मैंबर अंतरिम कमेटी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी। भाई मरदाना जी का जन्म दिहाड़ा नगर वासियों वालों भाई मरदाना साहब जी के परिवार वालों बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया जा रहा है। जे साडे सिख पंथ विच सब तो ज़्यादा सत्कारयोग शख्सियत जिन्हां नूं गुरु नानक पातशाह महाराज ने मलाप होने तो बाद ते भाई मरदाना जी दे अकाल चलाने तक
एक एक पल अपने नाल रखिया। भाई मरदाना साहब ने सारा जीवन धन गुरु नानक साहब महाराज नूं निशावर कीता। जो हुक्म कीता सी बाबा नानक जी ने भाई मरदानिया, जे तू मेरी चार गल्लां मन ले, मेरी तेरी बाण आवेगी निभ जाएगी, मेरा तेरा ना लोक विच ना परलोक विछोड़ा पएगा। भाई मरदाना जी ने आख्या, बाबा जी हुक्म करो। महाराज कहिंदे ने एक परमेश्वर तो बिना किसी की पूजा नहीं करनी। भाई मरदानिया, अमृत वेला जिंदगी विच नहीं खजाउणा। महाराज जी सत बचन, महाराज कहिंदे ने केस नहीं कटाउणे। महाराज जी सत बचन, हजूर कहिंदे सत संगत हर रोज़ करनी, जदों सबब बने उदों हत्थी सेवा भी जरूर करनी। अज भाई मरदाना साहब जी का जिहड़ा उपदेश है, जो गुरु नानक साहब ने उन्हां राहीं सानूं उपदेश कीता है, साढ़े सारिआं दा फर्ज़ बनता है। जिहड़े हुक्म भाई मरदाना जी नूं कीते ने, उह साढ़े वास्ते वी उन्ने ला जरूरी ने। मैं बेनती करांगा, जिहड़े भाई मरदाना साहब जी दे परिवार वाले खोंदे ने, असीं भाई मरदाना जी दे परिवार चों, भाई तुसीं वी केस रखो, गुरु साहब जी दी सिक्खी विच शामिल होवो। भाई मरदाना जी ने बाबे दा दिल जित्तिआ सी, इस करके भाई मरदाना साहब जी दी जिहड़ी आ अज खुशियां वाला जिहड़ा दिन है, सारिआं नूं वधाइयां होण, मुबारकां होण। पिंड वासियां नूं बेनती है, वध चढ़ के इस दिन नूं मनाया करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜੀਤਾ, ਪਿੰਡ ਠੱਕਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਵਿਸ਼ਰ ਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 565ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਪਿੰਡ ਠੱਕਰ ਸਿੰਘ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਜਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜਥਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰਾਂ ਕੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੂਰ, ਹਰ ਸਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਗਲਵਾਲਾ SCPC ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ, ਇਹਦੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ, ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਬਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੈਜ਼ਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ 3 ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਚੋਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਖਬਰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਵਿਜੇ ਥਾਪਰ, ਐਕਸ ਕੌਂਸਲਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 47 ਤੋਂ ਮੈਂ, ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਕੁਛ ਰਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਆ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ, ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਨ ਲਾਈ ਹੈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 31 ਤਰੀਕ 31/12 ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਤੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਚੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਮਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਫੈਜ਼ਪੁਰ, ਮੈਂ ਐਸ਼ਟੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ ਭੈਣ ਜੀ ਗਏ ਆ ਕੋਈ 7:15 ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੈੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਤਾਲਾ ਟੁੱਟਾ ਦਾ ਵਾ ਰਸੋਈ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਡਈ ਹਾਂ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬੋਰੀ ਜੀ ਲੱਭੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਰਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਤਾਲਾ ਟੁੱਟਾ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਾ ਬੰਦ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਆਣ ਕੇ ਅਤੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ 40 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਵੀ ਚੱਲ ਗਈ।
तीन सिलेंडर गए हैं, एक दो साढ़े ने, एक आंगनबाड़ी वाले का, तो 40 किलो कणक चलती है। हाँ जी, पहला भी 31 दिसंबर मैं पता लगा सी, उदो भी इन्होंने भैन जी होना सुना दिता सी मैंने सामने घर वाले, तो उदो साड़ी 80 किलो कणक चलती। हाँ जी, रिपोर्ट की दसिया सी उन्होंने, पर हाँ जी अज अजे नहीं दसिया, अजय तो हम जाने तो फिर दसांगे। की समझ लगातार स्कूलों के चोरी हो रही है, चक्कर जा रहा है, पता नहीं जी, हम मालिक जाना, अजकल नशे नुशे ज़्यादा हो गए हैं शायद ये करके। प्रशासन को की कहना चाहते? प्रशासन को कहना चाहते भी चलो स्कूलों वास्ते कोई देन राखी रुखी करने वास्ते बंदा, तो उन्हें नहीं कैमरे नहीं लगे जी साढ़े। हाँ जी, की नाम? मेरा नाम जसविंदर कौर। मैं सरकारी प्रायमरी स्कूल फैजपुर आंगनबाड़ी टीचर हाँ। साढ़े पहलों भी 31-12 चोरी हुई सी, 80 किलो कणक लै गए थे, तो उदो भी उन्होंने सिलेंडर लाइन च लाए थे, तो असी फिर किसी के घर रखवा दते, तो हूँ फिर हूँ तीनों ही सिलेंडर चोरी हो गए साढ़े, दो प्रायमरी एक मेरे स्कूल का अपना आंगनबाड़ी का। सानू सामने घर वाले दे कॉल गई है, फोन किया उन्होंने कि तुहाडे स्कूल का ताला टुटा है रसोई का किचन का, मैडम उन्हें फोन किया, फिर मैडम के हैड टीचर के घर फोन किया, फिर अं स्कूल आए आके देखिया तो साढ़े तीनों सिलेंडर चोरी हुए, तो नाल कणक चोरी हुई। लगातार चोरी होगी, हूँ यदि कोई कार्रवाई होनी चाहिए, जे स्कूल किसी ना किसी का अरेजमेंट करना चाहिए भी कोई होना चाहिए स्कूल, इदा के हूँ साढ़े तो स्कूल बहुत ज़्यादा समान आ, साडा अपना समान भी राशन भी बहुत आ, होर भी सारा समान पिया है, तो इदा के फिर वो भी नहीं रहेगा स्कूल सारा कुछ। हाँ जी, पुलिस ने कंप्लेट की से, पुलिस आई नहीं सी, तो बस उन्होंने FIR लिखा के आ गए, मेरे को FIR भी हैगी है फोन दे को, तो उदो भी अज अजे हूँ नहीं की असी, क्योंकि 7:15 की चोरी हुई अं, तो फिर 7:15 ही सूँ पता लग गया सामने घर वाले साडा, काफ़ी लोगों के नाल तालमेल है वधिया ने आस पड़ोस दे, इस तरह असं किसी शक कि कर सकते हैं, क्योंकि जो सूँ पता उदो छुट्टिया हुई सी, तो हूँ इदा हुई आ सारे आपो अपने घर में, किसी तो साड़ी कड़ी किसी ना कोई लगती है, साडा सारे नाल बहुत कोऑपरेट आ, कोई यहोजी गल। हाँ जी, हाँ पहली तो लैके पंजवीं तक साडा स्कूल है, इदा के फिर इन्होंने मूँह पै गया, इदा के जो मर्जी आके कर सकते हैं, असं मंग करते हैं भी यदि कार्रवाई की जाए, तो यदा कोई ना कोई जो स्कूल दे वेच कोई सानू कोई चौंकी का कुछ अरेजमेंट करके देन, है ना, इतने कोई ना कि इतों 3 सिलेंडर गए हैं, तो इन्हों की कुछ कणक 40-50 किलो चोरी हुई है, सुबह 7 बजे दी इनफॉर्मेशन आई ही कि इन्हों चोरी हुई है। कार्रवाई इन्हों स्टेटमेंट लिख रहे हैं, जो तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी, सीसीटीवी फुटेज सामने आई है? नहीं हजे नहीं, सामने चेक कर रहे हैं। इन्हों का कहना था मतलब कि पहला भी कुछ हफ्ते पहला भी चोरी हुई थी, प्रशासन ने कंप्लेट लिखाई थी, कोई कार्रवाई नहीं की गई, कहते हूँ भी शायद हो सकता, हूँ आप सीसीटीवी कैमरे चेक कर रहे हैं, बाकी जो भी इन्होंने किसी का शक होया जां कुछ भी वो आप नाम देख के तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। समझ कि पुलिस वालों कोई कार्रवाई नहीं हो रही, लगातार स्कूलों में चोरी हो रही है, सब कार्रवाई सीसीटीवी कैमरे चेक करते हैं, सारा कुछ करते हैं। खबर लेने लुधियाना तो जिथे फिरोजपुर रोड स्थित निजी होटल विखे लुधियाना रेडीमेड गारमेंट्स मैनुफैक्चर एसोसिएशन दे वल्लों 3 रोजा प्रदर्शनी दी शुरुआत कीती गई है। पत्रकार नाल गलबात करदे प्रबंधकां ने दस्सिया कि इक्को छत हेठां कपड़ा कारोबारियां दे लई इह प्रदर्शनी लगाई गई है, जिस विच तुहानूं कपड़िआं दे सारे हर इक नवीं टेक्नोलॉजी दे बारे जाणू करवाया जावेगा। होर उन्हां ने की कहा है, आओ सुणदे आं पूरी खबर। बाबा प्रेसिडेंट बहादुर के टैक्सटाइल नेटवर्क एसोसीएशन अते प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ ऑल टैक्सटाइल ट्रेडिंग एंड मैनुफैक्चरिंग एसोसीएशन, इन्हां दे इक साडे इस पूरे लुधियाने की जो टैक्सटाइल इंडस्ट्री की समर्स दी गारमेंट एग्जीबिशन जो कि पहली बारी साडे लुधियाना शहर च लगन जा रही हैगी है, इसनूं असीं अज अपने पूरे भारत के नैशनल लैवल उत्ते इस असी एग्जीबिशन जिहड़े ऑल ओवर इंडिया तो साडे जो एग्जीबिटर्स ने वह अज इहदे विच पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आ पहला साडा अज इनॉग्रेशन अज असी कीती है, और आने वाले टाइम अज साडे इहदे विच पार्टिसिपेंट तकरीबन 80 दे करीब, और आने वाले टाइम दे विच आह पार्टिसिपेंट इस तो कई गुणा ज़्यादा आ सैकड़ों की गिनती विच, और अज साडे जो दर्शन डावर जी ने अज कहा है भी आह हूँ आने वाले टाइम मोर दैन 800 इस पार्टिसिपेंट्स असी लैके जावे, क्योंकि भी साड़ा फस्ट एक्सपीरियंस है, जो भी कमी पेशियां इस बार ये रह जाएगी उन्होंने आने वाले टाइम के दुरुस्त करके
एक ऐसा असी अफेयर इस लैवल से लैके जावे भी ना केवल साढ़े भारत के बल्कि सारे साढ़े वर्ल्ड के जोड़े व्यापारी है जो क्योंकि सा लुधियाना एक मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है और टैक्सटाइल का हिंदुस्तान का सब तो वाला हब है साढ़ा इतों की जोड़े गारमेंट्स और टैक्सटाइल के प्रोडक्ट्स ऑल ओवर वर्ल्ड के भी जाते हैं तो जो असी पूरे वर्ल्ड जाके एग्जीबिशन लगाते हैं या इंडिया में जो असं एग्जीबिशन लगाते हैं साडा मंतव यह है भी वह सारे कस्टमर्स ऑल ओवर वर्ल्ड के साढ़े लुधियाना शहर के आन और इतों की अपनी खरीदारी करन ताकि साढ़े लुधियाने की इंडस्ट्री ग्रोथ करे और लुधियाने का पंजाब का नाम साडा रोशन विजिटर नूं की गारमेंट की एक फेयर अज लग रहा है जिसका उद्घाटन किया गया एल आर जी एम ए ने यह सब तो पहला इनिशिएटिव है तो इसे सब नूं मुबारकबाद लेकिन इस करके बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कस्टमर चाहे वह लोकल हो इंडिया के चाहे फॉरन के हो अगर एक अंबरेला च एक प्लेटफॉर्म से उन्होंने अलग अलग वरायटी मिल जाए ते वो एक बहुत ही बिजनेस प्रमोशन का एक अच्छा तरीका है क्रिएटिविटी नू दिखान दा एक अच्छा तरीका है और ये इनिशिएटिव आने वाले टाइम में एक बहुत ही अच्छा साबित होएगा क्योंकि होटल्स दे विच एग्जीबिशन लगाना थोड़ा मुश्किल होंदा है साड़ी कोशिश है कि असी गवर्नमेंट नू प्रेशराइज करके एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास अच्छा एग्जीबिशन सेंटर बनावांगे जिथे कॉन्फ्रेंस रूम भी होंगे मीटिंग रूम्स भी होंगे और एग्जीबिटर्स लिए प्रॉपर एक जगह होएगी और फॉरन दे कस्टमर्स नू आगे कोई अपनी बुकिंग करन च चीज़ां नू देखन च और बिजनेस दे ऑर्डर देन च कोई तकलीफ नहीं होएगी जिदे नाल के लुधियाने दा बिजनेस भी प्रमोट होएगा और इंडस्ट्री तरक्की करेगी ओवरऑल ग्रोथ होएगी और प्रोस्पैरिटी जिहड़ी है स्टेट की भी होएगी और इंडिया की भी होएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल संदीप बैल संदीप हर्षद एल आर जी एम ए लुधियाना रेडीमेड गारमेंट्स मैनुफैक्चर एसोसीएशन जिड़ी कि असी मिलकर फॉर्म की है ये लुधियाना के रिनोन्ड रेडीमेड गारमेंट मैनुफैक्चर सारे असं मिलकर एक अंबरेला के थले इकट्ठे हो रहे जिदे नाल असी अपने विजिटर अपने कस्टमर इतने प्रमोट कर रहे हैं साडा मेन मोटिव यही है कस लुधियाना के कस्टमर की बायरस की फुटफॉल वधे वध तो वध होवे जिदे नाल असी सारी सारी फैसिलिटी लुधियाना तो ही उन्होंने प्रोवाइड करवा सकी सानू किसी नू भी अपने अटैच चक के सैंपल दिखाण अपने कस्टमर के कोल ना जाना पवे और असी इन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया इतना ही ऑन पैरल सेम इतना ही साडे जिहड़े रेडीमेड गारमेंट मैनुफैक्चरर्स भरा है उन्होंने वास्ते भी एक प्लेटफॉर्म सैट कर जा रहे हैं जिदा कि अज उद्घाटन होया।